All right, so in this episode of Gareeb-Akbar, we will talk about some questions on section 9, as you have already asked or commented. So the first question is, ki kya section 9 mein appeal dali ja sakti hai ya nahi? So answer of this question is yes, bilkul appeal dali ja sakti hai. Actually hota kya hai ki aap har case mein appeal dal sakte hai, to aap isme bhi appeal dal sakte hai. Ab appeal kahan dalti hai? Upper court mein dalti hai. Jis court ne aapko decision sunaya na, usse upper court mein hi appeal dalegi. So I hope you got your answer. So the next question is ki humne section 9 hamare favor mein hai lekin फिर भी वाइफ नहीं आ रही है, तो ऐसे केसों में आपको क्या करना चाहिए? ऐसे केसों में एक एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन डलती है उसी कोर्ट में, तो आपने क्या करना है, एक एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन डालनी है, यानी कि उस चीज़ को आप उसमें लाओ, पोजेशन में लाओ, एग्जीक्यूशन में लाओ, कार्यपालिका में लाओ, तो आपने एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन डालनी है या आप डाल सकते हो. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि जो वाइफ है वो मायके में है या कहीं और है वो हमें पता नहीं है, तो ऐसी कंडीशंस में आप क्या करें? तो देखो, आप जो नोटिस पहुंचाते हो ना वो आप अपने मायके में पहुंचाओ. जैसे ही मायके में जाएगा, उसके पेरेंट्स के पास जाएगा, उसकी फैमिली के पास जाएगा, वो उसको इन्फॉर्म कर देंगे. ओके, मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि सर हम नोटिस पहुंचवाते हैं लेकिन वो नोटिस वापस आ जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए? तो ऐसी कंडीशन में आपको दोबारा नोटिस भिजवाना चाहिए, फिर नोटिस को समन हो आपको दोबारा भिजवाना चाहिए. ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि वाइफ आने से ही मना कर दे तो क्या होता है ऐसे केसों में? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर उसके पास कोई रीज़न होगा तो वो आने से मना करेगी. अगर उसके पास कोई रीज़न नहीं है वो भी सफिशियंट, तो उसको आना ही पड़ेगा. अब कुछ लोग सोचते हैं कि ये सफिशिएंट रीज़न होते क्या है एक्चुअली में, तो मैं आपको सफिशिएंट रीज़न ही बता देता हूँ एक्चुअली में होते क्या है कोर्ट की नज़रों में. तो सफिशिएंट रीज़न ये हो गया कि सपोज़ हस्बैंड है, वाइफ है, अब वाइफ अपना घर छोड़ के चली जाती है किसी दूसरी सिटी में जस्ट बिकॉज ऑफ उसकी गवर्नमेंट जॉब लग गई है, अब वो परफॉर्म करने के लिए किसी दूसरे शहर में गई है, तो ऐसे में हस्बैंड सेक्शन 9 नहीं डाल सकता, क्योंकि उसे पता है उसके पास एक रीज़न है, सफिशिएंट रीज़न है, उसकी नौकरी है. ओके, दूसरा हो गया कि अब सपोज़ वाइफ है वो बाहर गई हुई है, यानी कि स्टडी के लिए वो बाहर गई हुई है, अब्रॉड गई हुई है, तो ऐसे में सेक्शन 9 नहीं डाला जा सकता, क्योंकि वो रीज़न है, वो बाहर गई है किसी पर्पस के लिए, जब तक वो आएगी नहीं तो आप कैसे डालोगे. ओके, नेक्स्ट हो गया कि तबीयत डाउन है या फिर ऐसी हालात है वो आ नहीं सकती, तब कोर्ट ऐसे में सफिशिएंट रीज़न मान लेता है और उनको परमिशन दे देता है कि आप अलग रह सकते हो. ओके, कोई बाउंड नहीं करता. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि सर अगर हम सेक्शन 9 का केस डालते हैं, ओके, तो क्या वाइफ को जो उसका खर्चा होगा वकील का वो हमें देना पड़ेगा, उसका कोर्ट का आने का देना पड़ेगा या नहीं? तो वैसे तो आपको देना नहीं पड़ेगा. ओके, क्यों, आप अलग हो गए वो अलग हो गए, लेकिन अगर आपका जो दिल से प्यार है, चॉइस है आपकी, आप दे भी सकते हो. ओके, अगर आपको पता है कि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, आप दे सकते हो, उनका कोर्ट का आने का खर्चा या वगैरह वगैरह आप दे सकते हो, बट बाउंडेशन नहीं है कि आपको देना ही है. ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि सेक्शन 9 का डालने का मिनिमम टाइम पीरियड कितना है? तो मिनिमम टाइम पीरियड है 1 ईयर. सपोज कोई नई शादी हुई हस्बैंड वाइफ की और थर्ड महीना हुआ या फोर्थ महीना हुआ, वाइफ अपने घर गई, तो आप सेक्शन 9 नहीं डाल सकते, आपको 1 साल का वेट करना पड़ता है. 1 साल मानना पड़ता है कि आपने एक साथ रहे हो, 1 साल के बाद अगर वाइफ जाती है तो आप सेक्शन 9 डाल सकते हो. ओके, सो मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि अगर वाइफ 18 साल से कम है तो क्या आप सेक्शन 9 डाल सकते हो? जी आप बिल्कुल नहीं डाल सकते, बिल्कुल आप फंसोगे अगर आप सेक्शन 9 डालते हो, क्योंकि जब हम सेक्शन 9 की एप्लीकेशन डालते हैं तो उसमें डिटेल बतानी पड़ती है. अब डिटेल में आप 18 साल से नीचे लिखोगे उम्र तो लिखते ही हैं, तो आप फंस सकते हो, तो बेहतर है आप ना डालें. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेक्शन 9 करने के बाद भी वाइफ वापस नहीं आती है तो क्या होता है? तो देखो, आपके पास 2 ऑप्शन है. अगर सेक्शन 9 के बाद भी वापस नहीं आती है तो आप इस बेस पर डाइवोर्स ले सकते हो, यानी आपने सेक्शन 9 डाला और डालने का 1 साल हो गया, यानी कि 1 साल बाद भी वाइफ नहीं आई, तो इस चीज़ को आप बेस बना सकते हो, यानी कि जो ग्राउंड्स है वो बना सकते हो कि हमने सेक्शन 9 डालने के बाद भी हमारी जो वाइफ है वापस नहीं आ रही, तो हमें अब डाइवोर्स चाहिए फाइनल, तो आप ग्राउंड बना सकते हो. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सपोज वाइफ ने दूसरी शादी कर ली है तो ऐसे में क्या होता है? यानी कि हस्बैंड वाइफ है, ओके, वाइफ अपना घर छोड़कर अपने मायके चली जाती है और सेकंड मैरिज परफॉर्म कर लेती है, तो क्या हम सेक्शन 9 डाल सकते हैं? तो वैसे तो आपको मैं बता दूँ, ये 494 IPC क्राइम है ही है,
यानी कि आप सेक्शन 9 डालो ना डालो 494 का आप केस फाइल कर सकते हो जिसमें कि 7 साल तक की सजा हो सकती है। इसका जनरल मीनिंग यही है कि एक शादी होते हुए आप अगर दूसरी शादी परफॉर्म करते हो या करती हो तो आपको पनिशमेंट हो सकती है। ओके, तो सेक्शन 9 आप ना डालो, 494 IPC कर दो।